पूजनी संत समाज सज्जनों और देवियों, जीवन की आवश्यकताओं की पूर्ति के बाद भी मनुष्य की एक बड़ी आवश्यकता और उसी में न समझ करके हर आदमी दुखी है। जीवन की आवश्यकताएं बहुत थोड़ी हैं, थोड़ा सा भोजन, थोड़ा कपड़ा और सोने की छोटी जगह, लेकिन जो मनुष्य का मन है उसमें अभाव, रिक्तता, असंतोष ये बराबर बना रहता है। इसको पूर्ण करने के लिए सही समझ न होने से अनेक विषयों में वो लगता है, काम भोग में लगता है, शरीर की आवश्यकता थोड़ी होती है, मन की रिक्तता, मन का असंतोष, मन का अभाव ये भयंकर है। और इसी को पूर्ण करने के लिए लोग अनेक काम करते हैं, काम भोग से इसको पूरा करना चाहते हैं, स्वाद भोग से पूरा करना चाहते हैं, रूप देख करके पूरा करना चाहते हैं। कुछ लोगों को गंध में भी आसक्ति होती है। एक सज्जन कहते थे कि सोने के पूर्व कपड़े पर इतर न छिड़क लूं तो नींद नहीं आती। गंध की आसक्ति कम लोगों में होती, शब्द सम्मान मिले, पद मिले, बिना पद के कैसे रहा जाए। ऐसे विद्वानों को मैं जानता हूं कि जिस सरणी से उनको विश्वास नहीं है, पद पाते हैं तो उसमें चले जाते हैं। और उसके विश्वासों से ऊपर उनका विश्वास नहीं है लेकिन पद मिल गया तो उसमें घसीटते रहते हैं। पैसे की हविष हो जाती है, गुरुवाई की इच्छा, गुरुवाई के लिए, महंती के लिए चालबाजियां की जाती हैं, फूट डाला जाता है, जबरदस्ती कब्जा किया जाता है, हत्या तक होती है। जगत गुरु पद के लिए मुकदमे चलते हैं और जबरदस्त ढंग से दोनों तरफ से अपने को जगत गुरु लिखते रहते हैं और मुकदमे चलते रहते हैं। जज भी पशुपेश में रहते हैं, क्या करो, इसलिए मुकदमे चलते रहते हैं और जगत गुरु मरते रहते हैं। दोनों पक्ष वाले अपने को जगत गुरु लिखते हैं और मुकदमे चलते हैं और पीढ़ी दर पीढ़ी बीतती जाती है, पता नहीं चलता है कब न्याय होगा कि असली जगत गुरु कौन है। जब जज कहेगा जिसको जगत गुरु, वो जगत गुरु बनेगा। ये जगत गुरु की पोल पट्टी है, गुरुवाई के लिए, महंती के लिए, पद के लिए, अधिकार के लिए सारा कुकर्म होता है। ये सब मन की रिक्तता को पूर्ण करने के लिए, और वो कभी पूर्ण होने वाला नहीं। जितना पूर्ण करोगे उतना अपूर्ण लगेगा। पैसे से किसी का मन भरा नहीं है, काम भोग से किसी का मन भरा नहीं है। काम भोग तो निरर्थक है, पैसे की तो जरूरत है शरीर के लिए, थोड़ी जरूरत है। मन जैसा चाहता है वैसा नहीं, काम भोग तो बिल्कुल निरर्थक है, केवल संतान के लिए गृहस्थ को चाहिए बस, बाकी तो छीन करना है अपने को और कुछ नहीं।
उसमें पढ़ करके कभी संतोष नहीं मिलेगा। स्वाद चखते चखते आदमी बूढ़ा हो जाता है, संतोष कहाँ आता है। अपने मन के अभाव को पूर्ण करने के लिए मनुष्य अनेक विषयों को पकड़ता है, यही उसका अज्ञान है, अविद्या है। मन की रिक्तता, मन का अभाव, मन का असंतोष कैसे मिटेगा? त्याग से, दूसरा रास्ता है ही नहीं। त्याग से मन का असंतोष मिटेगा। न चाहना, इच्छा न करना। इच्छा न करेंगे तो काम कैसे चलेगा? इच्छा इच्छा में अंतर है। आप लोग सत्संग की इच्छा से यहां आए हैं, भूख लगती है, भोजन की इच्छा होती है, शुद्ध इच्छा की जरूरत है। लेकिन जो हमारी हविष है, विषयों की लालसा है, वो कभी पूरी नहीं होगी। उसके लिए त्याग की आवश्यकता है। पहली वाली इच्छा इच्छा नहीं है, आवश्यकता है। आवश्यकता और इच्छा में फर्क है। आवश्यकता अपने आप पूर्ण होती है और इच्छा की पूर्ति जान देने पर भी नहीं होती है। सदैव आदमी दुखी रहता है। त्याग के बिना कभी कोई सुखी हो ही नहीं सकता है। त्याग कैसे किया जाए? दुनिया का चकर मकर देख करके मन खींचता है, लेकिन जिसमें हम चमक दमक देखते हैं, भोगों से किसी की तृप्ति कभी नहीं होती। चमक दमक में जो हमारा मन लगता है, चमक दमक की पोल पट्टी समझने की चेष्टा करनी चाहिए। जिसमें हमें चमक दमक दिखाई देता है वो क्या है? मिट्टी, पानी, आग, हवा और आकाश, ये पांच तत्व हैं। आकाश शून्य है, उसमें कोई क्रिया नहीं है, इसलिए उसका कोई परिणाम नहीं है, शून्य। जो द्रव्य हैं वो चार हैं, मिट्टी, पानी, आग, हवा। इन चारों को कारण कहते हैं और इनसे बने पदार्थों को कार्य कहते हैं। कारण और कार्य का संसार प्रवाह है। कार्य में विलक्षणता है, उसी में मोह है। नर नारियों की देहें, पेड़ पौधे, मकान, पत्थर, हीरे, कांच, फल फूल, अन्न, बहुत सारी निर्मित वस्तुएं, कपड़े, बर्तन, मशीनें, ये सब के सब कार्य हैं। इनमें मिट्टी, पानी, आग, हवा के कण मिल करके बने और ये निरंतर बदलते हैं और क्षीण हो जाते हैं। सारे कार्य प्रवाह रूप में बनते रहते हैं। जिसमें हम आकर्षित होते हैं वो मिट्टी, पानी, आग, हवा के कणों का संयोग है। विलक्षणता जो दिखती है वो निर्मित है। निर्मित वस्तु क्षीण होती है, स्थिर नहीं होती। जिसको हम आज जिस तरह से देखते हैं वैसे आगे नहीं रहेगा। आज से 40 वर्ष पूर्व जिसमें हम आकर्षित थे आज उसमें आकर्षित नहीं है। 10 वर्ष पूर्व, 2 वर्ष पूर्व, गत वर्ष जिसमें हम आकर्षित थे उसमें आज आकर्षित नहीं है। जीवन में जो हम भोगते हैं उससे अगर सीख नहीं लेंगे तो कहाँ सीख मिलेगी?
करते हैं, स्वाद के चक्कर में ज्यादा खा लेते हैं, परेशानी होती है, उठने बैठने लेटने सब में परेशानी होती है। तो अगली मीटिंग में तो सावधान होना चाहिए। जो अपनी त्रुटियों से शिक्षा नहीं ले सकता वो कब सुधरेगा। हमने अपने जीवन में मोह किया है और मोह में कुछ नहीं रहा है, पीछे पता लगा है कि व्यर्थ रहा है, अनर्थ रहा है। सारे पदार्थों के अंतरतम में जाइए तो मोह अपने आप मिट जाएगा। सारे पदार्थ मिट्टी है, जो स्थूलता दिखती है वो केवल मिट्टी है, ढेर मिट्टी का हर आदमी है। बाद मरने के होता यही है, या तो तुर्बत बनेगी जमी पर या चिताओं में जलना पड़ेगा। जिसको हम बहुत माल टाल मान रहे वो है क्या? सारे भोगों ऐश्वर्यों पदों सम्मानों प्रतिष्ठाओं का आधार शरीर है और शरीर कूड़े कचड़े की ढेर है। एक टोकरी कचड़ा है। कभी कभी दुर्घटना हो जाती है। इसी सलोम सराय में एक दुर्घटना हुई थी, तो गाड़ी का चक्का उसके ऊपर चल करके पीस दिया था, ट्रक का चक्का। तो कुदारी से उसके शरीर के मलबे को खुरच करके टोकरी में भरना पड़ा। सबका शरीर कूड़ा कचड़ा की एक ढेर है। ये जो सबसे बड़ा घमंड है उसकी ये दशा है। उसके बाद जितनी चमक दमक है वो सब मिट्टी पानी आग हवा के कणों का समूह है, निर्मित पदार्थ है। इस पर चिंतन करो, विचार करो, धीरे धीरे मोह कटेगा। मोह कटेगा तो आकर्षण घटेगा, आकर्षण घटेगा तो अभाव का अनुभव घटेगा। हर समय अभाव, असंतोष, तृष्णा, रिक्तता, शून्यता। माँ बाप का अकेला एक युवक कॉलेज में पढ़ता है, साल भर के बाद मुझे मिला, कहा साहब अकेले में बात करना चाहता हूँ। तो अकेला किया, कहा साहब मेरा मन होता है मैं खुदकशी कर लो, आत्महत्या कर लो। मैंने कहा क्यों? कहिए तो समझ में नहीं आता है। मैंने कहा भोजन नहीं मिलता? कहीं मिलता है। कपड़े? कपड़े में सूट पहन के आया था। माँ बाप का अकेला है, कॉलेज में पढ़ता है। मैंने कहा तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हारी कामनाएं लंबी लंबी होंगी, पूरी नहीं होती होंगी, इसलिए तुम मरना चाहते हो। लोग घबरा के कहते हैं कि मर जाएंगे, लेकिन मर के चैन न पाए तो किधर जाएंगे? ये शरीर का छूट जाना हमारा आपका अंत नहीं है। आत्मा अनंत है, न अंत होने वाला, न समाप्त होने वाला। शरीर छूट जाएगा, दूसरे की हत्या करना, अपनी हत्या करना, दोनों महापाप है। शरीर से अत्यंत क्लेश उत्पन्न होने पर दुनिया के चिंतक सोचते हैं छूट देनी चाहिए। किसी के शरीर में अत्यंत क्लेश है, रह नहीं पाता है, तो संविधान में होना चाहिए कि वो डॉक्टर से कहे और डॉक्टर इंजेक्शन दे दे और सो जाए सदा के लिए। लेकिन इसके परिणाम को देखते हुए रुके हैं। एक देश में कहीं शायद लागू है, छोटे से देश में, और कोई इसको स्वीकार नहीं। इसमें तो खूब अत्याचार होगा, धन खूब है और 2-4 लाख रुपया दे दिए जाएगा डॉक्टर को,
जाली दस्खत करवा लिया जाएगा, दवाई दे दी जाएगी, मर जाएगा, लड़का बन जाएगा मालिक। और लड़का ही नहीं, ये तो गुरु बाबा को भी मारा जा सकता है। ऐसे चेले दुनिया में हैं, ऐसे मठ भी हैं जहाँ केवल महंती के लिए धमा चौकड़ी है, साधना के लिए नहीं। सौभाग्य उन संतों का जो साधना में तत्पर है, जो कोई भी कुछ अपने लिए नहीं चाहता है। ये विशेषता जब मैं अपने संस्थान की याद करता हूँ, जिसको मैंने अध्यक्ष, मंत्री, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष इत्यादि बनाया, अपने तरफ से बनाया, और सब तैयार रहते हैं कि जब छोड़ना हो छोड़ दें, कुछ नहीं चाहते कोई, तत्काल एक मिनट में कहूँ सब छोड़ दो, तुरंत छोड़ दें, अपने पास कुछ नहीं रखते हैं, जो उनको भी दक्षिणा चलती है सेवा में लगा देते हैं। ये वास्तविकता की बात है। ऐसे और जगहें भी होंगी और मठ भी होंगे, केवल यही नहीं और भी जगहें हैं, लेकिन ऐसी जगहें कम हैं। कुछ जगहें हैं, लालसा तो है, लेकिन उसको लेकर के पाप नहीं करेंगे। और इतनी इसी इसी जगहें हैं जहां षड्यंत्र ही चलता है मानती और गुरुवाई के लिए, और महा महा पाप होते हैं। इसलिए सरकार ये कानून नहीं बना रही। शारीरिक पीड़ा से अत्यंत उत्तप्त हो, पीड़ित हो, तो कानून हो कि वह अपना बयान दे दे कि मैं मरना चाहता हूँ, और फिर उसको दवाई दे दी जाए, इंजेक्शन दे दिया जाए। आजकल तो ऐसे इंजेक्शन हैं कि जिसको लगा देने पर उसको तकलीफ भी नहीं होगी, सो जाएगा बस। लेकिन इसके दुरुपयोग को देख करके विध बनाने वाले स्वीकार नहीं करते हैं। आत्महत्या पर हत्या दोनों पाप है। आजकल आत्महत्या खूब चल रही है, क्योंकि चकर मकर बहुत बढ़ गया है, मन पूरा नहीं होता है, इसलिए लोग आत्महत्या खूब करते हैं। इसी प्रीतम नगर में एक युवती ने आत्महत्या कर ली थी, उसको सिलेंडर गैस और चूल्हा का इंतजाम उसका पति तत्काल नहीं कर सकता था, कहा था कि कुछ दिन में कर दूंगा, और भी उसके मन में कला रहा होगा, बस अंदर में जा करके उसने फांसी लगा लिया। तो उसका दाह करके जब वो मेरे पास आया नीचे, मैं प्रीतम नगर में रहता था, 15 वर्ष की बात होगी, तो संदेश भेजा कि मैं दाह कर्म करके हूँ, तो ऊपर आऊँ तो महाराज स्वीकार करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल आवे, ये सब मैं नहीं मानता, दाह कर्म कर दिया तो पापी हो गया, मृत का दाह किया जाता है। तो आत्महत्याएं खूब हो रही हैं आजकल, पहले आत्महत्याएं इस ढंग से नहीं होती थी। अंग्रेज गवर्नमेंट के जमाने की बात मुझे याद है, गाँव में ऐसे भी लोग होते थे जिनको सावन भादों में कभी कभी भोजन नहीं मिलता था, चूल्हा नहीं चलता था, तो आसपास के लोग उनको कुछ देते थे। मजदूर ऐसे होते थे कि मजदूरी का काम नहीं, बड़ी कठिनाई होती थी, लेकिन कहीं मैंने नहीं सुना था कि कोई आत्महत्या कर लिया है। अब आजकल जिनके घर में खाने पीने की चीजें हैं और पक्का मकान है, नहीं दूध अलग से पीते हैं तो चाय में दूध भी लेते हैं, दोनों टाइम गर्म भोजन करते हैं, उस घर में आत्महत्याएं बढ़ गई हैं। पश्चिमी सभ्यता का जो प्रभाव है, टीवी ने खूब फैला दिया है, अंधविश्वास और विषय वासना, ये दोनों का जोर तोर से टीवी में प्रचार हो रहा है। ये धर्म के ढोंग में गुरु महात्मा पंडित मौलवी ज्ञानी जी कहलाने वालों में ऐसा ऐसा चल रहा है
कि दुनिया की बुद्धि का शोषण करके, बौद्धिक शोषण, आर्थिक शोषण, शारीरिक शोषण भी चलता है धर्म के नाम पर। पहले बौद्धिक शोषण, चमत्कार की बात बताओ, देवी देवता की बात बताओ, इस मंत्र से ये सिद्धि मिलती है बताओ, ये पाप किए हो तो ये मंत्र जपो तो पाप कट जाएगा। व्यभिचार कटने का मंत्र अलग है, चोरी हत्या की उसका मंत्र अलग है उसको कटने का, और अनेक मंत्र हैं, ये सब फैलाया जा रहा है। अमुक माला पहनने से सिद्धि होती है, टीवी में प्रचार किया जाता है, सुना जाता है। लोग मुझे बताते हैं, मुझे टीवी देखने का अवसर नहीं पड़ता है, अखबार भी कभी पढ़ लिया, अखबार भी नहीं पढ़ पाता हूँ। अखबार भी नहीं पढ़ पाता हूँ तो चमत्कार और विषय वासना, ये दो का प्रचार बड़े जोरों से है। पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव तो शहरों में ऐसा है कि शहर वाले जिनको धनी कहते हैं, उनमें बच्चे हिंदी बोलना भी अब नहीं जानते, केवल इंग्लिश बोलते हैं, और उनके यहाँ सब जो कुछ मनाया जाता है यूरोपी ढंग से मनाया जाता है। जन्मदिवस, बर्थडे घर में अब नहीं मनाते, होटल में मनाते हैं। घर में जबकि 1000-2000 में, 1000-2000 के खर्च से पकवान बनाएं तो घर भर खाएं, नौकर मजदूर सब खाएं जो घर में रोज रहते हैं। लेकिन धनी लोग अब क्या करते हैं, कई हजार रुपए ले जाके होटल में देते हैं, और उस दिन उनके घर के नौकर भात उबाल के खाते हैं। धनी लोग तो और सूखते चले जा रहे हैं, मनुष्यता से जड़ होते चले जा रहे हैं, जैसे पत्थर के मकान में वैसे पत्थराते चले जा रहे हैं। भारतीय संस्कृत सभ्यता का विनाश होता चला जा रहा है। अभी भी गांवों में बहुत कुछ है। मैं तो कलकत्ता में था तो कलकत्ता की एक विदुषी ने ही लिखा था, मैं अखबार में पढ़ा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृत का अंश अब जो कुछ बचा है देहात में है, और शहर में जिनको आप बहुत अगुआ कहते हो उनके यहाँ तो उड़ गया है। और टीवी ने जो अनर्थ किया, हद किया है, विषय वासना की वृद्धि और चमत्कार की वृद्धि। अब चमत्कार महात्माओं के नाम पर चमत्कार, जो जीवन भर वैराग्य में रहे, श्रीडरी के साई जी महाराज, साई बाबा वैराग्यवान पुरुष थे, मेरा साक्षात्कार नहीं था, मुझे ज़्यादा तो पता नहीं, लेकिन वो वैराग्यवान थे। उनके नाम पर सुनता हूँ चमत्कार का इतना प्रचार किया जा रहा है टीवी में आजकल। किताब मैंने तो नहीं पढ़ी, लेकिन मेरा जहाँ कंपोज होता है ग्रंथ, तो उनके प्रूफ के पीठ पर कभी मेरा प्रूफ आ जाता था तो पीठ का पढ़ता था, तो चमत्कार साईं बाबा का उसमें पढ़ा, भयंकर चमत्कार। संस्था बना लेते हैं लोग, कोई महात्मा हुए उनको इतना भुनाते हैं, वे महात्मा कितने विरक्त थे, कितना साधना परायण थे, पीछे वाले पैसा बटोरने के लिए इतना इतना अत्याचार करते हैं। सुनता हूँ 28 करोड़ का सोने का सिंहासन उनका बना है, साईं बाबा के चित्र रखने का या मूर्ति रखने का, कितना दुरुपयोग है। इससे तो कई हॉस्पिटल बन सकते थे, इतनी ऐसी ऐसी मूर्तियां स्थापित की जाती हैं, 100-100 फीट की मूर्ति, सोने चांदी की मूर्ति, ये सब पागलपन। तो चमत्कार की वृद्धि, विषय वासना की वृद्धि टीवी से खूब किया जा रहा है।
और सरकार क्या करेगी, सरकार तो मुर्दा है, वो तो जैसे चलाओ वैसे चलती है सरकार। सरकार भी कोई एक व्यक्ति तो है नहीं, सब दस्तखत करवा लो, सब चालू करवा लो, सरकार करती रहती है, कुल होता रहता है, चुस्ती दुरुस्ती नाम की चीज कहीं नहीं है। पैसा चाहिए, पैसा से कुछ भी करवाओ। तो जिससे मन उफान शैतान में ज्यादा लगे, ऐसा प्रचार बहुत ज्यादा हो रहा है। लेकिन जो दुर्दशा है देश की, ऐसी बढ़ती जाएगी, पागलपन बढ़ रहा है, व्यभिचार बढ़ रहा है, हत्या बढ़ रही है, धर्म के नाम पर हत्या बढ़ रही है, सब उत्पात बढ़ रहा है, और उसके पीछे है भोग की भावना। केवल त्याग से शांति मिलेगी, और कहीं शांति का कोई आधार नहीं, केवल त्याग। त्याग से ही हमें शांति मिलेगी। जीवन निर्वाह की वस्तुओं का गुजर के लिए थोड़ा प्रयोग, सादा थोड़ा प्रयोग है, और मन की रिक्तता को दूर करने के लिए त्याग चाहिए, भोग नहीं। भोग जितना करोगे तृष्णा उतनी बढ़ेगी, रिक्तता शून्यता अभाव उतना बढ़ेगा, असंतोष उतना बढ़ेगा। जितना हम सांसारिकता में डूबेंगे उतना चित्त क्लिष्ट हो, क्लिष्ट होगा, पीड़ित होगा, उलझा हुआ होगा, उद्वेगित होगा, अशांत होगा। जितना इससे अपने को अलग करेंगे उतनी शांति मिलेगी। अब अलग होना है, भीड़ कितने दिन की है, सारी भीड़ छट जाने वाली है, शरीर मिट जाने वाला है, अकेला हो जाएगा जीव। भीड़ में भी अकेला है, इतनी भीड़ बैठी है, किसी के पेट में दर्द है, भीड़ क्या करेगी, दर्द उसको भोगना है। किसी के मन में बेचैनी है उसको भोगना है, भीड़ क्या करेगी। किसी के मन में शांति है, शांति का लाभ उसे मिलेगा। भीड़ में रहते हुए भी हम अकेले हैं, साथी बरातियों से संपन्न होने पर भी हम अकेले हैं। बिस्तर पर जाते हैं तो हम सो जाते हैं, अकेले रहते हैं। शौचालय भी जाते हैं, अकेले रहते हैं। नींद आती तो अकेले रहते हैं। अंत में अकेला सबको होना है। भीड़ एक छलावा है, भीड़ से जो अपने को जोड़ते हैं अपने साथ धोखा देते हैं। भीड़ तो कारणवश इकट्ठी होती है। यहाँ एक शुभ कारण है ज्ञान के आदान प्रदान का। आप लोगों को धन्यवाद है, कहाँ कहाँ से आप आते हैं, कितना कष्ट उठा करके। भीड़ में स्वाभाविक व्यवस्था उतनी नहीं हो पाती है। सुबह मैं उठा घूमने गया तो कितने लोग छत पर लेटे थे। इसमें भी आप लोग समझदार हैं, समझते हैं कि भीड़ में सब लोग सह लेते हैं, और जिस लाभ के लिए आए उस पर ध्यान रखते हैं। ये आपकी विशेषता है। कहीं की भी भीड़ हो, किसी मकसद से भीड़ होती है और भीड़ छट जाती है। जीव के साथ में भीड़ रहने वाली नहीं है, जीव के साथ में कोई लौकिक उपलब्धि रहने वाली नहीं है, कोई पद रहने वाला नहीं है। बड़े बड़े अफसर हैं, रिटायर होते हैं, असंतोष में पीड़ित होते हैं, मिलने आते हैं, कमिश्नर हैं, कलेक्टर हैं, उनको लगता है, कहते महाराज बोर बहुत हो रहा हूं। अब पद पर थे तो सुबह होते ही लाइन लग जाती थी दरवाजे पर, अब कोई पूछने वाला नहीं है, बोर होते हैं, क्योंकि अपने अकेलेपन का अनुभव उन्होंने किया कभी नहीं, अपने आत्मा के विषय में कभी सोचा ही नहीं। मैं अकेला हूं, आत्मा के साथ कुछ नहीं। कर्म के अनुसार ये देह बनी है, और देह के कारण प्राणी पदार्थों का संबंध हुआ है,
हुआ है और एक एक छट रहा है और छटते चला जाएगा और छट करके रहेगा। कितना कोई दुलरुआ बने, मेरी पत्नी का मैं प्राणाधार हूं, या कोई दीवी कहे मेरा पति तो मुझे अपने सिर पर रखना चाहता है, कोई गुरु कहे हमारे बहुत अनुगामी हैं, हमारे शिष्य हमें हाथों पर रखना चाहते हैं, कोई नेता कोई धनी, कितना दुलरुआ बने मैं बहुतों का दुलारा हूं। झूठा, ये कुछ रहेगा नहीं किसी का। शरीर गलेगा, बूढ़ा होगा या बीच में मर जाएगा, नहीं तो बूढ़ा होके मरेगा। सारे रंग में भंग होना सबका पक्का है, इस अटल नियम को कोई टाल नहीं सकता है। इस बात को हम पहले समझें, अंत में होने वाली दशा को पहले समझें। अगर ये बात समझ जाएं तो दुनिया में पाप ना हो। कुछ लोग कहते हैं ऐसा समझेंगे तो गतिशील नहीं रहेंगे, उत्साहीन हो जाएंगे। ऐसा प्रश्न वही करते हैं जो दुनियादारी में डूबे हैं, उनको अनुभव ही नहीं है। दुनिया में जितने ज्ञानी पुरुष हुए हैं अत्यंत गतिशील हुए हैं। कबीर साहब ने कहा, झूठ झूठा कह डारू मिथ्या यह संसार। संसार झूठा है, झूठा करके छोड़ दो, मिथ्या है। और वो कबीर जीवन भर समाज के कल्याण के लिए घूमते रहे, देश विदेश से हों फिरा। उन्होंने कहा गाड़ी मोटर का कोई साधन नहीं, पैदल गुजरात साहब 4 बार गए हैं। वहां तो कल्पना कर ली गई है कि साहब 8 वर्ष की उम्र में आए हैं, और जो कबीर वड़ है नर्मदा तट पर, वहां के मंदिर में कबीर साहब की एक मूर्ति 8-10 बरस की बना के रख दी गई है। लोग कहे कि यहाँ साहब 8 बरस की उम्र में आए थे, ये गलत है, जवान हो गए थे तब गए थे, 30 वर्ष की उम्र के बाद गए थे। वहां पर वैष्णव शैव और शाक्तों में द्वंद था, बहुत विवाद था, यहाँ तक तलवार चलने की बात आ जाती थी। तो वहाँ के जो सुलझी हुए साधु संत भक्त थे, उन्होंने मीटिंग करके अपने प्रतिनिधि भेजे थे काशी, तो कबीर साहब वहाँ गए थे। ये वहाँ के पुस्तकों में लिखा है। गिरनार पर सभा हुई थी, बड़ी कटाकटी आपस में हुई थी, कबीर साहब ने अंतिम भाषण किया और उसमें संतोष हुआ। वैष्णव और शैव तो बिल्कुल मान गए, शाक्तों में कुछ उद्दंडता शेष रही, लेकिन फिर भी काफी समाधान हुआ। 4 बार साहब गुजरात गए। जब उनकी उम्र 119 वर्ष की हो गई थी, 119 वर्ष 7 महीने 25 दिन रह करके उन्होंने शरीर छोड़ा। जब 119 वर्ष की हो गई थी तब वे काशी से मगहर इसलिए गए कि अंधविश्वास टूटे कि काशी में मरने से मोक्ष होता है और मगहर में मरने से गदा होना होता, और चल दिए। आप समझ सकते हैं 119 वर्ष का व्यक्ति पैदल नहीं जा सका होगा, रथ या बैलगाड़ी से गया होगा, और बनारस से मगर काफी दूर है। जीवन भर वो बैठे नहीं, चलते रहे। स्वामी शंकराचार्य ने कहा जगत तीनों काल में नहीं है, और जगत के कल्याण के लिए वो तो और पहले के थे। कबीर साहब को हुए 600 वर्ष हुए हैं, शंकराचार्य स्वामी को हुए 1200 वर्ष हुए हैं, और बीहड़ है, लेकिन वो बैठे नहीं। वो महापुरुष थोड़ी 32 वर्ष में तो उन्होंने शरीर छोड़ दिया, वेदांत का भाष्य किया, उपनिषद का भाष्य किया, गीता का भाष्य किया, जो कुछ लिखा संस्कृत में। केरला के थे, उनका मलयालम अपनी भाषा रही होगी, और संस्कृत के वेदांत संस्कृत में लिखे, छोटी छोटी पुस्तकें लिखी,
मौलिक पुस्तक जो उनकी बड़ी है विवेक चूड़ामणि है, उस पर मैंने लिखा है, अभी अभी छप के आई है, शंकराचार्य, स्वामी शंकराचार्य क्या कहते हैं उसको आप पढ़ें, पूरा आध्यात्मिक है। तो जीवन भर वे चलते रहे, केरला के थे और केदारनाथ के तरफ उनका शरीर छुटा, कितनी कठिनाई में चलते थे धर्म प्रचार के लिए। तथागत बुद्ध गोरखपुर से उत्तर, उनका जन्म स्थान जो आजकल नेपाल में पड़ता है, राजपुत्र थे, घर छोड़े, 5 वर्षों तक तप किए, फिर उनको संतोष हुआ, प्रचार में निकले। 80 वर्ष की उम्र तक वे जीवित रहे और घूमते रहे। चौमासा केवल वर्षाभासो करते थे और घूमते रहते थे। अंतिम में वो पटना के तरफ थे, पटना से वैशाली आए गंगा पार करके, और वैशाली से पदयात्रा, वो तो रथ पर भी नहीं बैठते थे क्योंकि महावीर स्वामी उनके टक्कर में थे जैन के, जो नंगे रहते थे, बाल उखाड़ते थे और किसी सवारी पर नहीं बैठते थे। तो तथागत बुद्ध भी किसी पर नहीं, सवारी पर नहीं बैठते थे, पैदल चलते थे। पैदल चलते चलते आए हैं गोरखपुर क्षेत्र में, वहीं पर उनका पेट गड़बड़ हुआ है और 1-2 साल वृक्षों के बीच में कपड़ा बिछा दिया गया, लेट गए, वहीं उनका शरीर छूटा है। जिन्होंने कहा संसार स्वप्न है, मिथ्या है, वे संसार की सेवा में जीवन भर घूमते रहे और अपने ढंग से सेवा करते रहे। जो समझ लेता है संसार सारहीन है, वो त्यागी हो जाता है। और त्यागी सबकी सेवा करता है, वो त्यागी केवल साधु में नहीं होते, सब में होते हैं। ऐसे ऐसे त्यागी राजनीति में हुए हैं जो राजेंद्र बाबू को लो, जो राष्ट्रपति हुए, 10,000 रुपया तनख्वाह थी, 6,000 लेते थे, 4,000 छोड़ देते थे। नायक एक पदवी थी, मुख्यमंत्री थे बिहार के, नाम याद नहीं है, नायक पदवी थी उनकी। जब वह उनके घर में विवाह था, वो तो पटना में थे, तो और मंत्री और अधिकारी मिल करके मुख्य सड़क से उनके घर की सड़क को मोरमी से पटवाए और जगह जगह बांस गड़वा करके वायर लगाए, बिजली वहां नहीं थी। जब वे आए, मुख्य सड़क से उतरे, उनकी गाड़ी उतरी, उनको आश्चर्य लगा, सब देखते गए, अपने दरवाजे पर खड़े हुए, कहे कि ये वायर और बांस किस पैसे से लगा है, और ये मोरमी जो बिछाई गई है ये पैसा कहाँ से आया। तो मैं नहीं कहूँगा कि मोरमी खोद करके अलग फेंको, लेकिन कम से कम वायर निकालो और बांस उखाड़ो। सारे बांस उखाड़ दिए गए, सायर वायर बटोर दिए गए और कहे गैस के प्रकाश में शादी होगी। ऐसे ऐसे त्यागी पुरुष आज भी हैं, आज सुना नहीं है, राजनीति में अत्यंत भ्रष्टता बढ़ गई है, लेकिन आज भी ऐसे हैं। जहां कोई त्यागी होगा वही समाज की ठीक से सेवा कर सकेगा, जहां भोगी होगा वहां वो हिंसा करेगा, लूटेगा, ठगेगा, धोखा देगा। त्याग का इतने मतलब नहीं घर छोड़ करके साधु हो जाए, वेश धर ले, इतने त्याग नहीं, सब जगह त्याग की जरूरत है। साधु वेश धर ले, वहां त्यागी नहीं है तो वेश धरने से क्या होगा। गृहस्थ को, विरक्त को, स्त्री को, पुरुष को, सबको त्यागी होने की जरूरत है। पति पत्नी है, विवाह, नवविवाहित दंपति, दोनों में त्याग भाव है तो दोनों सुखी रहेंगे, भोग भाव है तो दुखी हो जाएंगे, थोड़े दिन में कला होगा, क्योंकि पत्नी की इच्छा
पति पूरी नहीं कर पाएगा और पति की इच्छा पत्नी पूरी नहीं कर पाएगी। भोग की भावना सदैव हिंसा पैदा करती है। जो अपने ऊपर ज्यादा खर्च करना चाहेगा वो संग्रह ज्यादा करेगा और संग्रह में पाप करेगा। समाज परिवार के लिए संग्रह ठीक है, लेकिन वो संग्रह खर्च होते रहना चाहिए, विवेक से सब कुछ होना चाहिए। ये बिल्कुल भूल जाना चाहिए कि अगर संसार को निस्सार मान लिया जाएगा तो आदमी निकम्मा हो जाएगा। कैसे निकम्मा हो जाएगा? मैं अपना ही अनुभव बताता हूं। जब मुझे कबीर साहब के विचार मिले भक्ति भावना में, तो मैं पहले खूब रमता था। राम कृष्ण विष्णु शिव, ये चार मेरे उपास्य थे। खूब अनुराग, खूब जप, गीता रामायण पाठ, वेद शास्त्र पाठ खूब लगा रहता था। जब मुझे 17-18 वर्ष की उम्र में कबीर साहब के विचारों का ज्ञान हुआ, तब बातें साफ आने लगी। पहले तो चौंक हुई, जो मैं मानता था उसका कई का खंडन समझने लगा, तो समझ आई। पुराण में पढ़ता था, परम पद निर्वाण को प्राप्त हो गए, भगवान के धाम में चले गए, तो मैं सोचता था ऊपर कोई लोक होगा, वहां पर बहुत अच्छी गद्दी लगी होगी, वही परम पद होगा। कबीर साहब की वाणी पढ़ी तब बात समझ में आई। उपनिषदों में इसकी चर्चा है, लेकिन पंडितों ने उपनिषदों का विस्तार नहीं किया, उससे उनको फायदा नहीं था, कर्मकांड से फायदा था। कबीर साहब की वाणी जब पढ़ी तो बात समझ में आई, तो मुझे लगने लगा गृह त्याग की जरूरत है, गृह में रह करके काम नहीं होगा। लेकिन जो मेरा मोह है ये बड़ा जटिल है, कैसे छोड़ूंगा? अत्यंत मोह है। उस उम्र में मैं ही घर का प्रबंधक था, तो बेचैनी हो जाती थी कभी कभी अकेले में रात। पहले तो भगवान के लिए रोता था, अब रोना होता था कि कैसे त्याग हो गया अकेले में, दिखावा कभी नहीं किया। और ये मेरा अनुराग चलता गया, लेकिन मेरे मन में संकल्प था कि कदम तब उठेगा जब मोह बिल्कुल मिट जाएगा, यहां के लिए कुछ नहीं लगेगा तब कदम निकलेगा। और इस अनुराग में मैं साधना करने लगा। मुझे याद है ये समय जो बीत रहा है, इसके 2 घंटा के पहले की बात, 10 बजे की बात होगी, चैत का महीना होगा। एक संत पारखी आए, नाम भी उनका पता नहीं, गेहुआ रंग के, मझले कद के, हल्के बदन के, 50 की उम्र करीब, थोड़ा सा सामान लिए थे। मैंने प्रणाम किया, बंदगी की, बैठाया, कहा साहब भोजन बनाइए। कहे भोजन एक खुराक बनाना है, बना लेंगे, बैठो, पूछना हो पूछो। मैंने कहा महाराज जो समझना था समझ लिया, ये मोह छोड़ना बड़ा मुश्किल है, बिना मोह छूटे काम नहीं बनेगा, और मोह छोड़ना बड़ा कठिन लग रहा है। उन्होंने कहा जिस ढंग से तुम्हारा अनुराग है ऐसा छूटेगा कि तुम पता नहीं पाओगे कैसे छूट गया। ये वचन उनका कभी मुझे भूलेगा नहीं। 3 वर्ष पूरा हुआ और ऐसा लगता था कि मैं कहीं बैठा हूं, अपनों में नहीं हूं। और वहां से उठा और चला, न तब नाग, 1 मिनट के लिए सिहरन भी नहीं हुई उधर के मोह के लिए। अब तो बहुत दिन बीत गए, 57 में छोड़ा हूं। मैं अपने मोह को जानता था, प्रबल मोह, और 3 वर्ष के अभ्यास में वो मोह एकदम खत्म हो गया। कैसे नहीं टूटेगा? मैं एक अभ्यास ज्यादा करने लगा था, सब मिट्टी है।
परिवार वालों को मिट्टी समझता, मैं अपने शरीर को मिट्टी समझता था, मकान मिट्टी समझता था, बाग मिट्टी समझता था, और कल्पना करता था मिट्टी का ध्रुव है और छीण छीण होकर के गिर रहा, गल रहा, सब मिट्टी है, सब मिट्टी है। मृत्यु का अभ्यास करता था, लेट जाता था और कल्पना करता था शरीर मर गया है, इतने दिन से मरने की कल्पना करता हूं, अभी शरीर नहीं मरा, बूढ़ा गया। तो ये भय क्या कि मरने की कल्पना करूंगा तो मर जाऊंगा, और मरने की कल्पना जो नहीं करेगा वो नहीं मरेगा, सब मरेंगे। संसार को सारहीन समझ ले तो गतिहीन हो जाएगा। गुरु जी की शरण में आया, जो बन सकता है करता रहा, आज भी कर रहा हूं, इस बुढ़ापा में भी काम कर रहा हूं, काम तो नहीं छोड़ा। सारहीन जगत को समझ लेगा और निकम्मा हो जाएगा, बिल्कुल झूठी धारणा है। सारहीन जो जगत को समझ लेगा वो सबसे बड़ा सकम्मा हो जाएगा, अपने लिए और दूसरे के लिए। अमृत, अगाध अमृत के सागर में तभी हम निमज्जन कर सकेंगे जब संसार असार हरदम दिखाई देगा। संसार असार है लेकिन हमारी घोर अविद्या है, घोर अविद्या के कारण से इसमें सार लगता है, बिल्कुल असार है। सब कुछ का विनाशना पक्का है, सारी निर्मित वस्तुएं मिटती है, मिट्टी पानी आग हवा, ये चार के अलावा कुछ नहीं। ऑक्सीजन हाइड्रोजन नाइट्रोजन का है तो कितना गिना है, 100 से अधिक है, नाम भी याद नहीं रहेगा। इसीलिए वैज्ञानिकों ने भी ठोस तरल वायव्य और अति वायव्य ये चार नाम रखा है, 100 से अधिक तत्वों को चार में समाहार किया है, ठोस तरल वायव्य अति वायव्य। हम लोग मिट्टी पानी आग हवा कहते हैं, मिट्टी पानी आग हवा के समुच्चय में वैज्ञानिकों के सारे तत्व आ जाते हैं। हमारे नजरों में जो कुछ दिखाई देता है केवल मिट्टी पानी आग हवा के कणों का समूह है, और कुछ दिनों के बाद वही होके रह जाएगा। बचपन में मैंने जिनको देखा था, मिला था, प्रेम किया था, वो आज नहीं है। जवानी में जिनका संपर्क था उनमें बहुत लोग नहीं। मैं एक दिलचस्प बात बताऊं, बीजक टीका मैंने की बस्ती जिले में, वो अयोध्या से उत्तर बस्ती जिला है, शंकर भक्त के गांव पर, उनके घर पर, घर उनका हमारा, हमारी कुटिया रहती थी, तो ऊपर तल्ले पर मेरे लिए सब व्यवस्था कर दिए। मैंने वहां बीजक की टीका लिखी, जो पहली वाली टीका है, चार बार छपी है, और विशेषर प्रेस काशी में उसको छपवाया। वो बीजक टीका भी अब नहीं है, क्योंकि मैंने बृहद बीजक टीका कर दी व्याख्या, अब व्याख्या चलती वो नहीं है। और जहां मैंने लिखा था वो मकान नहीं है, उनके भतीजे ने बढ़िया मकान अलग बना लिया, उसको आंगन कर दिया। वो मुझसे पूछे कि साहब वो जीर्ण है, मैंने कहा तोड़ दो, जिस मकान में रख करके मैंने बीजक लिखा था वो मकान नहीं है, आंगन है, और जिस प्रेस में मैंने छपवाया था वो विश्वसर प्रेस न्यू से तोड़ करके दूसरा मकान बन गया, ना वो बीजक टीका है और ना जहां मैं लिखा वो है और जहां छपा ना वो है। लेकिन बीजक टीका तो उसका विस्तृत रूप हो गया, मेरा शरीर भी आजकल में नहीं रहेगा, क्या रहता है, सब कुछ नश्वर है। इस चीज को निरंतर जो देखता है वो मोह नहीं करता है, मोह होता ही नहीं, करेगा क्या। तत्व दृष्टि ऐसी जग जाती है कि जो जहां जैसे है वैसे हरदम प्रतीत होता है, मोह होने की चांस ही नहीं रह जाता है। जीव निर्मल निष्काम अमृत, आप अमृत हैं, आप में कोई तकलीफ नहीं है। जितना उद्वेग है, जितना असंतोष है, जितनी रिक्तता है,
जितना अभाव है केवल अविवेक से। मेहनत करो, आलसी न रहो, और जो मिले उसमें संतोष रखो। अपनी गुजर के लिए कम से कम और सादी वस्तुओं में संतोष रखो। अगर आपके पास चीजें ज्यादा हैं तो भी सादेपन में अपना गुजर करो, और वस्तुएं हैं तो दूसरे की सेवा में लगाओ। और जो मंगे हैं, लालसाएं हैं, ये खाली मन शैतान का घर, हरदम अभाव का असंतोष का अनुभव करता है, ये भोगों से पूर्ण नहीं होगा, योग से पूर्ण होगा, त्याग से पूर्ण होगा, अंतर संतोष से पूर्ण होगा, अंतर मुक्तता से होगा। अंतर में लौटो। ग्रस्त ग्रस्त विरक्त कहलाने वाले चमत्कार क्यों फैलाते हैं? क्योंकि धन जन ज्यादा इकट्ठा हो। अगर चमत्कार यहां फैलाया जाता बहुत बड़ी फील्ड में पंडाल बनाना पड़ता। रिद्धि सिद्धि देने की बात आती, स्वयं धोखा खाओ, दूसरे को धोखा दो। सारा चमत्कार सोलो आने झूठ है, चाहे वो किसी के नाम में लगाए गए हो। दुनिया के बड़े से बड़े नाम लेने की जरूरत नहीं, क्योंकि बड़े छोटे कहलाने वाले बहुत हैं। किसी के नाम में लगाए गए हो, सारे चमत्कार धोखाधड़ी छल कपट है। धार्मिकों द्वारा मनुष्य के बुद्ध के शोषण के लिए ये षड्यंत्र है। बुद्ध का शोषण, शारीरिक शोषण, आर्थिक शोषण, सब प्रकार का शोषण होता है। आपके लड़का नहीं है, हम कहेंगे लड़का होगा, और उसमें सब विधान बताएंगे। बौद्धिक शोषण पहले किए, फिर आर्थिक शोषण, और शारीरिक शोषण भी इसमें चलता है जगह जगह धर्म के नाम पर। कितना अनर्थ है। अभी ध्यान शिविर लगा था तो एक युवक आया था, मेधावी, शिक्षित, अच्छा, समझदार। उसने सब देखा सुना, मुझे पहले से भी जानता था, फोन करके आया था और पुस्तकें देखी, सब कुछ देखा। मेरे पास कहा, साहब आपकी बात बहुत फैलनी चाहिए। फिर कहते कहते दबे जबान में कहा, साहब आप में थोड़ी सी ऐषणा होनी चाहिए। ऐषणा मतलब तृष्णा, थोड़ी तृष्णा हो तो ऐसा कुछ करें कि ये फैले। तो मैंने कहा, जो थोड़ी सी ऐषणा तुम कहते हो वही मेरे में हो जाए तो मुझे नरक में डुबाएगी। मैं गुरु बाबा रहूंगा, महात्मा रहूंगा, धर्मात्मा रहूंगा, लेकिन नरक में डूबा रहूंगा। तो एकदम सन्न हो गया। एक सप्ताह तक रहा, फिर उसकी भाषा बदलती गई, मेरी बात तो समझता गया। अंत में गया तो कहा, साहब आपकी बात सच है, बहुत गुरुओं में घूमता है, प्रवचन भी करता है, धर्म के नाम पर बड़ी बड़ी धांधलियां चल रही हैं, बड़ा बड़ा धोखा है, सारे चमत्कार झुठाई है। किसी चमत्कार में प्रलोभन मत करो, किसी की महिमा में मत डूबो, मत भटको। महिमा झूठी है, भीड़ झूठी है, सारा संयोग झूठा है, सारा ऐश्वर्य झूठा है। जो आज है कल न रहे, सच कहां है? इसलिए जो चीजें उपलब्ध हैं उनका उपयोग करो समाज की सेवा में, और अपने आप को त्याग के जीवन में गतिशील करो। गृहस्थ व्रत स्त्री पुरुष जहां जो हैं संयमी बने, अंतर्मुख बने, और वो अपने मन में निश्चय कर लें कि त्याग से मन का असंतोष मिटेगा, भोग से बढ़ेगा। मैंने कहा था कि शरीर की आवश्यकता हमारी थोड़ी है, वो पूरी हो जाती है। मन की रिक्तता, मन का असंतोष,
ये पूरा नहीं होता है। और इसी को पूरा करने के लिए अनेक विषय को लोग पकड़ते हैं। कोई काम भोग में जम के डट पड़े, तो कोई राजनीति में, तो कोई खूब पैसा कमाने में, तो कोई खूब चेला बनाने में, जैसे भी बने, और कोई मठ मंदिरों पर अधिकार करने में, तो कोई कहीं। ऐसे कभी किसी को संतोष नहीं मिला। संतोष मिलेगा जब अपने आत्मा को समझे, आपका स्वरूप निर्मल है, असंग है, अकेला है। मन, इंद्रियां, प्राण ये सब नकली है, ये हवा के झोंके के समान बह करके पता नहीं कहां जाएंगे आजकल में। और इन्हीं के द्वारा ये सारा प्रपंच सामने हो रहा है, ये सब खो जाने वाला है। ऐसा सब समय ख्याल रखो, भटको मत, चोरी न करो, व्यभिचार न करो, हत्या न करो, दूसरे को धोखा न दो, लाई लंगाई चुंगलाई न करो, ईर्षा द्वेष न करो, ईमानदारी से कमाओ खाओ, अपनी कमाई का दूसरे की भी सेवा में व्यय करो, न व्यय कर पाओ तो किसी छीनो ना, और संसार की असारता को निरंतर समझो, जिससे चित्त अनासक्त हो। जितना अनासक्त होगा, अंतर्मुख होगा, अगाध अमृत सबके अंदर में भरा है, लेकिन मन बहिर्मुख है, तो उसका अनुभव कैसे हो। मैंने आपसे कहा था, जीवन गुजर के बाद मनुष्य के जीवन में जो दूसरी आवश्यकता है वो असंतोष को मिटाना है। वो भोग से नहीं मिटेगा, त्याग से मिटेगा। उस त्याग मार्ग के अधिकारी गृहस्थ, विरक्त, स्त्री पुरुष सब है। घर छोड़ के कहीं चला जाना, कपड़ा बदल लेना, ये कुछ लोगों के लिए है जो ऐसा कर पावें, सही सही, नहीं तो जो जहां है वहां रहें, वहीं रह करके त्याग करें, वहीं रह करके अपने को संभालें, अंतर्मुख हो, अंतर संतुष्ट हो। संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है, ये कबीर साहब का छोटा वाक्य। वो सबको संत मानते हैं, कहें कबीर सुनो भाई साधो, मानव मात्र को साधु संत कहते हैं। आए संतो, आए मनुष्यों, सुनो, अगर संतोष दिल में आ जाए तो हृदय जुड़ा है। उनकी पूरी एक साखी, गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, जब आवे संतोष धन, सब धन धूरी समान। बस। मधुर वचन है औषधि, कटुक वचन है तीर, श्रवण द्वार हुए संचरे, साले सकल शरीर। जो तू चाहे मुझको, जो तू चाहे
चाहे मुझको छाड़ सकल की आसरे, मुझ ही ऐसा हुए रहूं सब सुख तेरे पास रे, सब सुख तेरे पास रे। शरीर रे आशा कृष्णा ना